प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सरकार के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ हवा हवाई है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली NCR गाजियाबाद की, जहां अब मरीजों को ऑपरेशन के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, जिसमें रिश्वतखोर किसी तरह का कोई समझौता भी नहीं करना चाहते हैं। गाजियाबाद के MMG अस्पताल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक वार्ड बॉय ने हर्निया के ऑपरेशन के बदले मरीज से 5,000 रुपए की मांग की। मरीज की तरफ से इनकार किए जाने पर सौदा 3,000 में पक्का हो गया। मरीज के साथ तीमारदार ने 3,000 रुपए देते वक्त वार्ड बॉय का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसका फोन है, 10 घंटे में, 10 घंटे लग जाएंगे। कितने देने हैं? 3,000 वैसे यार लेने ये कहा है मैं तो सुख पता नहीं चल देखे निपटा यार काम हो रहा तुम्हारा वही बहुत बढ़िया आज के टाइम में दरअसल संजय नगर निवासी सुदेश शर्मा को पिछले 3 साल से हर्निया की परेशानी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का समय दिया था। सुदेश पत्नी अधिवक्ता किरण शर्मा के साथ अस्पताल गए थे। ऑपरेशन की तैयारी पूरी करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आरोप है कि वहां पर बेहोश करने वाले डॉक्टर ने सुदेश से कहा कि OT सहायक सुनील कुमार को 3,000 रुपए दे देना। सुदेश ने शिकायत में बताया कि ऑपरेशन से पहले जनेऊ उतारने के दौरान संदीप नामक एक युवक ने कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं तो पैसे दे दो, नहीं तो भगवान से ही सीधे मुलाकात करोगे। जिसके बाद सुदेश ने सुनील को रुपए दे दिए। सुनील रुपए लेने के बाद नोट गिरने लगा। उसी दौरान सुदेश ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था हर्निया का, इसलिए आए थे हम लोग यहां पे और उनसे पैसे की मांग की गई थी। ऑपरेशन के कितने दिए? 3,000 रुपए दिए, 5,000 मांगे थे, 3,000 रुपए दिए थे। इस संबंध में शिकायत की गई? हाँ, सीएमओ साहब को की गई थी, तो उन्होंने उस पे एक्शन लिया है। MMG अस्पताल में हर्निया के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के नाम पर रुपए लेने के आरोपी OT सहायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कर्मचारी को ठेके पर रखने वाली कंपनी मेसर्स जीत सर्विस ने सेवा समाप्त कर दी है। हंगामे के बाद ऑपरेशन कर मरीज को अस्पताल के निजी वार्ड में रखा गया है। रुपए मांगने के आरोपी डॉक्टर को जांच होने तक ऑपरेशन थिएटर से हटा दिया गया है। मेरे संज्ञान में मामला भी आया है, मैंने तुरंत ही संबंधित थाने को बुला के उसको लड़का रेस्ट कर दिया है और लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई है। जो विधि कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी छोड़ी जाएगा। यहाँ जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, सख्त कार्रवाई करेंगे, किसको बख्शा नहीं जाएगा दोषी। क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनके कहने पर बोर्ड वाले ने पैसे लिए? 100% कार्रवाई होगी। जहाँ एक तरफ प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही है, वहीं अस्पताल के कुछ डॉक्टर और कर्मचारी प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एक छोटे कर्मचारी पर ही काज गिरती है, क्या आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी TV के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।